हाय एवरीवन गुड गुविंग माय सेल्फ इज सुनील कुमार गोचर फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड एस आर एडिकॉम्स टुडे विल बी क्लास द टेंथ क्लास चैप्टर नाइन हेरिडिटी एंड एवुलेशन सेकेंड क्लास हेरिडिटी इन लॉ ऑफ मेंडल सेक्स डिटर्मानेशन वेरिएशन नाउ बी स्टार्ट द लॉ ऑफ मेन्डल्स पर्स्ट लॉ लो ऑफ डोमेन्सी दैट द जीन हेज Two contrasting allies and one always expresses itself in the organism. It is called the dominant gene and it expresses n possible combinations. Uh, they say genes have two contrasting allies. Allies are the characters of one genes and so the characters throw by the genes. One always expresses itself in the uh, itself in the organism. Uh, it is called the dominant genes and it expresses it in Possible combinations. Law of seg uh, segregations say that the trait get the segregate complete during the formation gamete without any mixing of ally. Uh, no mixings in character cities, uh, only show the special characters and pure characters. Law of independent Assortment say that the traits can segregate independently only different characters during the gametes formations. ओनली डिफरेंट कैरेक्टर्स शो ड्यूरिंग द गेमिट फॉर्मेशन जब गेमिट का फॉर्मेशन शो होगा जब भी ये डिफरेंट कैरेक्टर्स को शो करेगा ठीक है मैंडल ने तीनों लो में बताया कि जो एल आई जी होते हैं वो किस तरीके से कैरेक्टर्स को शो करते हैं और उन्होंने तीनों लो तीनों लो में इन्हें शो किया मैंडल्स जो हैं मैंडल्स ने करीब फाइव ईयर्स तक इस पर पी प्लांट्स पर रिसर्च किया आफ्टर उसके बाद उन्होंने पर, आ, ट्रिक्स जो लिए एल जो लिए उनको शो किया और उनके थ्रू उन्होंने इसको जेनेटिक्स को ए, या हेरिडिटी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया नाउ नावी द सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशनस मोस्टली ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है वो डिफेंडेड होता है मेल पे, किस तो होता है मेल पे, क्योंकि मेल में जो मेल में जो होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई बट फीमेल में होते हैं ओनली एक्स एक्स ओके सो मेल ही डिसाइड करता है कि आने वाला जो फ्यूचर बेबी है वो फीमेल होगा या मेल होगा सो द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ द सेक्स एंड इनवेडल बेस्ड ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द जेनेटिक मेटेरियल इज कॉल्ड द सेक्स डेटरमाइनेशंस Composition the process of determining the sex of an individual based on the composition of the genetics material is called the sex determinations. In different animals, sex of an embryo is determined by different factors. In human sex determination uh, determinations happen on the basis of the presence, of absence, uh, presence and ab or absence of the Y chromosomes. X is the female. इज फीमेल एंड एक्स वाई इज मेल्स एंड ओव्यूम ऑलवेज कंटेन एक्स क्रोमोसोम्स मैंने आपको बताया कि एक्स एक्स जो होता है वो फीमेल में होता है एक्स वाई जो होता है वो मेल में होता है और ओव्यूम जो होता है ऑलवेज एक्स होता है ओके एंड ओव्यूम एंड ओव्यूम अफोन फ्यूजन विथ वाई कंटेनिंग इस्पम गिव राइट टू मेल चाइल्ड एंड अफोन फ्यूजन विद एक्स कंटेनिंग इसम गिव राइट टू गर्ल चाइल्ड्स ठीक है आफ्टर मेटिंग्स जब आर फ्यूजन्स इन ओव्यूम्स एंड कंडीशंस आर डिफरेंट तो अगर वो एक्स के साथ फ्यूजन्स करता है तो एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा अगर वाई के साथ करता है तो मेल चाइल्ड होगा ओके सो बाई सीन बाई द डाइग्राम्स सेक्स डिटर्मानेशन इन वूमन्स फादर्स एक्स वाई मदर्स एक्स 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 आर क्रॉसिंग तो एक्स एक्स फीमेल एक्स एक्स क्रॉसिंग फीमेल तो फिफ्टी परसेंट प्रोबिलिटी फॉर द फीमेल चाइल्ड एंड फिफ्टी परसेंट प्रोबिलिटी इन मेल चाइल्ड गेमेस जायोस फॉर मेड आफ्टर फ्यूजन ऑफ गेमेस एंड ऑफ स्प्रिंग्स ट्रिट्स ट्रिट्स आर द करेक्टर फ्यूचर ऑफ एंड ऑर्गेनिज मैनिफेस्टेड इन अ फिजिकल फ्रॉम द वेजिबल और इन ए फिजियोलॉजिकल एक्सेप्ट ऑफ द ऑर्गेनिज वेरिएशन जेनेटिक वेरिएशंस द डिफरेंट इन द डी डी एन ए सिक्वेंस एमॉन्ग द एवरीज ऑर्गेनिज लीडिंग द डिवर्स जीन हूल इज कॉल्ड द जेनेटिक वेरिएशंस दीज डिफरेंट लीड ऑफ डिफरेंट वेरियल फिजिकल कैरेक्टर और बायोकेमिकल फतवे ठीक है नेचुरल सेलेक्शन इट इज द फिनोमेना बाय वीज द फ्यूरेबल ट्रीट इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज इज सेलेक्टेड changing natural conditions exert equal uh, pressures on all the existing species the species organisms which are better adapted to the changing conditions survive and reproduce I, uh, example selected by the nature species organisms which cannot adapt the press rejected by nature speciation it is the process of formation of new species फ्राम एग्जिटिंग वन ड्यू टू सरवाइवल एवलेंट्री फोर्स ऑफ द जेनेटिक ड्रिप्ट आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन नेचुरल सेलेक्शन ए टी सी न्यू जनरेशन या न्यू स्पीसीज मेकिंग जो होती है उसमें मोस्टली क्या होता है कि जो पुरानी स्पीसीज है उन्हीं में से निकल के न्यू स्पीसीज आती है पर कंडीशंस ये होती है कि एक तो जेनेटिक ड्रिप्ट आइसोलेशन पॉपुलेशन आइसोलेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड नेचुरल सेलेक्शंसेशंस लीड टू डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम एंड डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी लीड टू एवलेशन स्पेसिकेशन्स जो होता है उसमें मोस्टली लीड जो होता है वो डाइवर्सिटी का होता है किसका होता है डाइवर्सिटी का और डाइवर्सिटी से ही इको सिस्टम मैकिंग होता है ठीक है अब इको सिस्टम में आने के लिए उसे नेचुरल जो है इन्वामेंटल कंडीशन सुटेबल होनी चाहिए कंडीशन सूटेबल होनी चाहिए तभी वो सर्वाइव कर पाएगी अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी और अपने आप को फिनिश कर लेगी जीन्स फ्लो जीन फ्लो इज ट्रांसफर फ्रॉम जीन वन पॉपुलेशन टू द नेक्स्ट ओके जीन फ्लो क्या होता है जीन ट्रांसफर वन पॉपुलेशन टू न्यू जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन पॉपुलेशन या पॉपुलेशन इज कम्युनिटी ऑन ए ग्रुप ऑफ एनिमल्स प्लांट और एनी लिविंग ऑर्गेनिकेट कैन रिप्रोड्यूस विद दिच अदर एंड है फर्टिलाइज वेबल ऑफ स्प्रिंग्स पॉपुलेशन क्या होता है जब एक कम्युनिटी कम्युनिटी या ग्रुप ऑफ एनिमल्स की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें एक साथ जब काउंट किया जाता है तो पॉपुलेशन हो सकती है वो एनिमल्स की भी हो सकती है एंड प्लांट्स की भी हो सकती है चार्ल्स डार्विन्स चार्ल्स डार्विन आल्सो फादर ऑफ द एवोलेशन वाज इन द इंग्लिश नेचुरइट एंड बायोलॉजिस्ट फाइव पीअर फाइव पीयर एक्सपीडेशन इन द एच एम एस बी टू galapagos iceland helped him write the theory of evolution in 1859 he published a book called the origin of species in which he put the theory of evolution in details चार्ले डार्विन जो है फादर ऑफ एवुलेशन भी है एंड फादर ऑफ़ डाइवर्सिटीज भी है ठीक है इन्होंने फाइव ईयर्स तक काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया अपने सिप्स टोटल अर्थ पे जो है इन्होंने रिसर्च किया है और उसके बाद इन्होंने ऑर्गेनिक ऑफ स्पीसीज बुक जो है वो पब्लिश की थी एटीन में ठीक है एंड पोसेल्स एवोलेशन इज द देंगीवल्स चेंज इन दट हेरिटेबल कैरेक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन आवर सवल जनरेशन दिस चेंज कैन गिव यू राइज टू न्यू स्पीसीज और द स्पीसीज माई द चेंज दल्व बिकम द बेटर अडेप्टेड ऑफ सराउंडिंग एन्वायरमेंट्स एवोलेशन्स क्या होता है जब धीरे धीरे स्पीसीज में चेंज आना स्टार्ट हो जाता है वो स्पेसिस जेनेटिक हो जाता है और वो लॉन्ग समय तक चलता रहता है उसे ही एवोलेशन्स बोलते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आफ्टर सक्सेसफुल्स एक्सपीडेशंस और On HMS Beagle, Charles Darwin wrote the book of "What the absorbed the Galapagos Islands." In the book named "The Origin of Species," he wrote the detailed detailed theory of evolution, which the mostly based on natural selections. Okay, thank you. Concept from basic to advanced. SR Educoms like and subscribe to my YouTube channels. Concept from basic to advanced and follow up the my FB page. Concept from basic to advanced. Concept Gulbarga and Cupsers. Concept Ramgaj Mandi. Thank you, thank you very much.